हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहें और शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को देखा कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी दोपहर हो चुके हैं क्योंकि मैं अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए गई थी, तो इतने में मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ पहुँचे, तो उनको खातिरदारी करने के लिए मुझे चाय वगैरह तो बनाना पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं कम से कम 8 से 10 कप चाय बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ, और आप लोग देख सकते हो जो मेरे विंडो से दिख रहा है उधर, तो उधर वाले जो फ्लैट है उसमें काम चल रहा है, तो टाइल्स वगैरह लग रहे हैं, तो उधर से बहुत आवाज़ आता है, तो मुझे एडिटिंग करने के लिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मशीन के घड़घड़ाहट जैसा आवाज़ मानो हो जाती है, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। और मुझे भी वॉल्यूम को स्किप करके ही आप लोग से फिर से वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ इतना हो रहा है, खटर पटर की तरह आवाज़ आते रहता है, तो उधर काम चल रहा है। तो कोई नहीं, बस यहाँ पे मेरा चाय हो गया है, तो मेरा चाय हो गया है, मैं अब उबल जाएगा, कुछ देर पक जाएगा, तो थोड़ा अदरक वाली चाय बना रही हूँ ना, तो टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा पकने पे ना टेस्ट अच्छे से आ जाता है, तो मैं इसे छान के दे दूँगी। और फिर चलिए दिखाती हूँ मैं अपने हनी और बनी को, क्योंकि उसे भी केयर करना पड़ता है, ठंड बढ़ गए हैं तो उसे भी धूपा वगैरह लगाने पड़ते हैं, और जो भी उसको उड़ाती हूँ मैं ऊपर से क्रेज को ढकती हूँ, उसे भी साफ़ सफाई करना होता है। तो देखिए, तो चलते हैं बनी को घास देने। तो फिर चलते हैं, आज हम लिट्टी बनाते हैं। बच्चे बोला कि मुझे लिट्टी खाना है, तो आज मैं लिट्टी बनाने जा रही हूँ। मैं आटा को पहले से ही लगा लिया है, तो यहाँ पर मैंने सत्तू को भी तैयार कर रखा है, तो इसी को भर के मैं लिट्टी बनाऊंगी, और साथ में मैं धनिया की चटनी भी बनाऊंगी। तो मेरा कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुका है, उधर मैं आटा वगैरह गूँथ ली हूँ, और जब मेरा गर्म हो जाएगा तो कम से कम मैं इधर बनाते जाऊंगी और उसमें फ्राई करते जाऊंगी। तो साथ में मैं धनिया की चटनी बनाऊंगी क्योंकि आंवला के साथ मैं उसे पीसूंगी। आंवला तो कड़वा लगता है खाने में, बट धनिया के साथ उसे पीसो तो चटनी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसी बहाने हम लोग आंवला भी खाएंगे और चटनी भी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं लिट्टी और चटनी ही बनाऊँगी। अभी अभी मैं आई हूँ, बच्चे को उधर पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ ताकि वो अपना होमवर्क क्लियर कर ले और रीडिंग वगैरह दे लेगा। उसके बाद मैं बोली बेटा तब तक मैं जा रही हूँ किचन में खाना बना देती हूँ, क्योंकि ठंड के समय मुझे भी बहुत आलस आता है, तो सोची चलो मैं इधर सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बर्तन भी हो जाएंगे, जब बच्चे खा लेंगे तो उनका बर्तन होंगे, उन्हें मैं इसी टाइम धो लूँगी, क्योंकि सुबह में इतने ठंड होते हैं कि मानो जब बर्तन धोने आओ तो हाथ में इतने ठंड होते हैं, जैसे हाथ मेरे बहुत ठंडे हो गए, मन नहीं करता सुबह करने को, तो इसलिए मैं शाम में ही सारा क्लीन कर लेती हूँ। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मैं काम होके फ्री हो गई हूँ, तो आप सभी से बातें करने के लिए बैठी हूँ। आज मैं सुबह स्नान वगैरह कर लिया है क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी होने लगी है, तो अभी मैं स्वेटर पहन के आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, तो मैं स्वेटर पहनूँगी जल्द ही। बट दोपहर में ठंड उतने नहीं लगते हैं, बस हल्का हल्का ठंड है। तो स्टॉल वगैरह से ही अभी मेरा काम चल रहा है, तो मैं जल्द ही स्वेटर पहनूंगी क्योंकि मुझे स्वेटर पहनना उतना पसंद नहीं है, तो मैं इग्नोर करती हूँ। बट ठंडी ज़्यादा पड़ने लगते हैं तो मुझे पहनना ही पड़ता है। तो बच्चे खाना वगैरह खा लिए हैं और नीचे गए हैं बैडमिंटन खेलने। तो शाम हो चुके हैं, यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ, तो बच्चे के लिए मैं ब्रेड सेक दूँगी और साथ में मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि ठंडे में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मुझे ठंडे में अदरक वाली चाय मेरे लिए तो फेवरेट ही है। बस मैं ज़्यादा नहीं, दो तो पी ही लेती हूँ, कम से कम दो टाइम ज़रूर पीती हूँ। यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ तभी मैं चाय ले रही हूँ क्योंकि मुझे अदरक की चाय बहुत पसंद है। और ज़्यादा तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ मैं ही चाय पी रही हूँ, मेरे बच्चे तो पीते नहीं हैं, उन्हें मैं चाय देती नहीं हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो हस्बैंड तो है नहीं, तो मैं ही पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ब्लॉग को अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो फैमिली के साथ शेयर करना। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।